देखो बच्चों, हम लोगों ने फंक्शंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और उसकी बेसिक नॉलेज भी थोड़ी सी गेन की थी स्टार्टिंग में, और इतना फंक्शन सफिशिएंट है। अब पहले आप जो मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप किसी भी बुक से, किसी भी मटेरियल से, कहीं से भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। देखो, फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये एक ही चीज़ें हैं, मतलब इनमें कोई बहुत डिफरेंस आपस में नहीं है। अगर हम इनको एक मान के चलेंगे तो पढ़ पाएंगे। अगर हमने ये सोचा फंक्शन अलग है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग है, तो फिर हम पढ़ नहीं सकते, ध्यान देना, है ना? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन का यूज होता है, फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। यही बात आईटीएफ के साथ में भी है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ में भी यही चीज है, है ना? तो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक ही बात है, ठीक है? देखो, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ बेसिक सिखाए थे पहले, कुछ मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, वो फंक्शन के लिए जरूरी थे। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और डिटेल से समझें, है ना? देखो, पहले मैं थोड़ा आपको आईटीएफ जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। देखो, ध्यान दो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे मान लो हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x होता है माइनस वन से वन तक, और y होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ठीक? x का मतलब हो गया डोमेन और y का मतलब क्या हो गया, रेंज। ये हम लोगों ने समझा था। इसी प्रकार y इक्वल टू कॉस इनवर्स x में x होता है माइनस वन से वन तक, ठीक है, और y होता है देखो जीरो से लेकर के पाई तक। सिमिलरली y इक्वल टू टेन इनवर्स x में x होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और y होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। देखो, यहाँ इक्वल नहीं होता, ध्यान देना, ठीक है? y इक्वल टू कॉट इनवर्स x में x फिर से होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और y होता है जीरो से लेकर के पाई तक। y इक्वल टू sec इनवर्स x में x होता है माइनस वन से कम या वन से ज्यादा, और y होता है जीरो से पाई बट नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक? y इक्वल टू cosec इनवर्स x में, देखो cosec इनवर्स x में x होता है माइनस वन से कम या वन से ज्यादा, और यहाँ पर देखो y होता है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में, और y जीरो नहीं होता। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी डोमेन और रेंज के बारे में आइडिया मैंने आपको पहले भी दिया था, ठीक है? देखो, कुछ और बेसिक बातें जो मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, है ना, देखो ये फार्मूला, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी प्रकार टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक? इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। देखो, जिनके रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होते हैं उनमें ऐसा होता है, जिनके रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होते हैं उनमें माइनस सीधे सीधे बाहर आता है। लेकिन अगर हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स को देखें तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, अगर हम कॉट इनवर्स माइनस एक्स को देखें तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, अगर हम सेक इनवर्स माइनस एक्स को देखें तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, ध्यान दीजिए। ये मैंने आपको बताया था, ऐसा उनमें होता है जिनके रेंज जीरो से पाई होते हैं। देखो, ध्यान दो, ऐसा उनमें होता है जिनके रेंज जीरो से पाई तक होते हैं। ये मैंने कुछ बातें आपको स्टार्टिंग में जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था वहां पर ही बताई थी, एक बार आप इसको रिकॉल करिए और इन बातों को याद करिए, है ना? ये सब इंपॉर्टेंट बेसिक है। अभी मैं आईटीएफ बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री भी आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों बातें मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपस में बहुत रिलेटेड है, है ना? आपस में इनका बड़ा यूज होता है और इंपॉर्टेंट भी है ये आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो तीनों चीजें मैं आपको एक के बाद एक समझाऊंगा, ठीक है? लिखो सब बच्चे जरा ध्यान से इसको।